मंत्री और विधायक कभी सरकारी तो कभी अपने पैसों से खरीदी गई लाखों की कार में सफर करते हैं। कहते हैं इससे उनका रुतबा बढ़ता है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में एक ऐसा विधायक भी है जो ऑटो में चलता है, चाहे काम सरकारी हो या निजी। विधानसभा परिसर की वीवीआईपी पार्किंग में एक ऑटो, वो भी कॉमर्शियल नंबर प्लेट के साथ। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे विधानसभा की सुरक्षा में कोई चूक हो गई हो, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि ये दरअसल जेडीएस विधायक वाईएसवी दत्ता की सवारी है। वो कार के बजाय ऑटो पर ही विधानसभा तक आते हैं। दत्ता इससे पहले लंबे अरसे तक एमएलसी भी रह चुके हैं। मैं बाल्य से अभी तक बहुत मुश्किल में पड़ा हूँ और संपादन किया हूँ और पॉलिटिक्स में कुछ मूल्य के लिए मैं रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल लाइफ लीड करना, मुझे क्या चाहिए उसी में मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं ऑटो से संतुष्ट हूँ। दत्ता के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी ऑटो को विधानसभा में आने जाने का पास जारी करना पड़ा। दत्ता सुर्खियां बटोरने के लिए ऑटो में नहीं आते, बल्कि वो बाकी जिंदगी में भी काफी सादगी पसंद है। Suppose you become a minister, then what will you do? So I want to continue the same lifestyle. So if I change my lifestyle, that means death of my principles, which I believe. वाईएसवी दत्ता की यह सवारी अब धीरे धीरे उनकी पहचान बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है। इससे ना तो एक विधायक का अहंकार झलकता है, न ही कोई दिखावा, यानी जनता की सवारी जनता के प्रतिनिधि के लिए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।